एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रश। अगर टीवी इंडस्ट्री में कोई ऐसी एक्ट्रेस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर को दमदार तरीके से निभा सकती है तो वो कोई और नहीं बल्कि हिना खान है। कसौटी जिंदगी की कोमोलिका के तौर पर हिना खान ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। हालांकि जल्द ही वो इस सीरियल में दिखाई नहीं देंगी। हिना ने कुछ समय पहले ही इस बात का खुलासा किया था कि वो दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से कसौटी जिंदगी को छोड़ रही हैं। हिना खान ने कहा था कि वो फिल्म्स की वजह से सीरियल छोड़ रही हैं। ऐसे में अब उनके कसौटी छोड़ने की असली वजह का पता चल गया है। जी हाँ, हिना के कसौटी को छोड़ने की असली वजह बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर विक्रम भट्ट हैं, जिनकी फिल्म में अब वो नजर आएंगी। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट की माने तो हिना खान अप्रैल के बाद कसौटी में नहीं दिखेंगी। इसकी वजह ये है कि हिना ने फिल्म मेकर विक्रम भट्ट के साथ एक फिल्म साइन की है। रिपोर्ट्स की माने तो हिना विक्रम की वुमन सेंट्रिक फिल्म में दिखाई देंगी और इसीलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट को टाइम देना होगा। इस वजह से उन्होंने कसौटी जिंदगी से ब्रेक लेने का डिसीजन लिया। अभी विक्रम भट्ट के इस फिल्म के बाकी कलाकारों के नाम सामने नहीं आए हैं। बता दें, विक्रम भट्ट को गुलाम, 1920 और हेट स्टोरी जैसे फिल्मों के लिए जाना जाता है। एक सोर्स का कहना है विक्रम ने हिना को साइन कर लिया है और एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म होने वाली है। हालांकि फिल्म के दूसरे एक्टर नहीं चुने गए हैं। बॉलीवुड में डेब्यू से पहले हिना खान को उनकी दूसरी फिल्म भी मिल गई है। इस बीच कसौटी जिंदगी की कहानी में हिना का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा या फिर उनकी जगह कोई और लेगा। हिना खान इसके अलावा एक और फिल्म में नजर आएंगी जिसका नाम लाइन्स है। ये फिल्म कारगिल युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में फरीदा जलाल भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हिंदी रश।